अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में सोगत के लोग और ताजर बाहर इकट्ठे थे। हर तरफ काई कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। इतने में अर्थ साहब बाहर निकल आते हैं। सब लोग अर्थ साहब जिंदा के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्थ साहब सबको खामोश कराते हुए कहते हैं, सोगत के अजीब लोगों, वो समझते थे कि वो काई कबीले को हरा देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि हमारा कबीला नई रोशनी के साथ दोबारा उभरेगा। हम अपने मकसद के लिए कामयाब हो गए हैं। हमारा मकसद लामहदूद और कामयाब है। हम अपना झंडा यहाँ भी लहराएंगे जब तक काई कबीले का आखिरी बंदा नहीं मर जाता। अब पहले वाला निज़ाम वापस आ गया है। आप पर लगाए गए इजाफी टैक्स ख़त्म किए जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि इबल की खातून और सिरमा खातून काफ़ी गुस्से में थी। फिर अर्थुर साहब कहते हैं, जुल्म और खौफ के दिन गुजर चुके हैं, अब दोबारा इंसाफ कायम हो गया है, अब से हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर सब लोग अर्थुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है। उरानूस संदूक लेकर दरग्योश के पास पहुँच जाता है। दरग्योश उरानूस को कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने उन्हें दिखा दिया है कि हम किस चीज़ के बने हुए हैं। तुम्हारा जहम गहरा तो नहीं है? उरानूस कहता है, नहीं। दरग्योश पूछता है, जो आदमी केज का उसके पीछे गए थे उनका क्या बना है? इतने में वो आदमी आकर कहता है, वो केज का उसको ले गए हजूर, उन्होंने मंगोलों और हमारे आदमियों को मार दिया है। दरग्योश कहता है, लाना तो उस पर, भाग गया वो, ये अर्थुर का काम हो सकता है, वो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। उरानूस कहता है, हमने कम से कम संदूक हासिल कर लिया है। दरग्योश कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें वापस किले जाना चाहिए। इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में भी बोर्ख नाल को लेकर आ जाता है और वहाँ काई कबीले के झंडे देख कर हैरान परेशान हो जाता है। घोड़े से उतर कर भी बोर्ख तुमरुल को कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे झंडे उतारने की? इतने में यनाल को घोड़े से उतार लिया जाता है। बिबोरो का सिपाही कहता है, सरदार यनाल को देखे। ये सुनकर बिबोरो फौरन यनाल के पास आ जाता है और कहता, थोड़ा हौसला रखो यनाल। यनाल कहता है, सरदार आप मुझे अलविदा दुआ दें। ये कहकर वो फौत हो जाता है। फिर भी बोलत कहता है, मैं कसम खाता हूँ यनाल, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। फिर भी बोलत अपने सिपाही को कहता है, यनाल को कबीले ले जाओ। फिर भी बोरो खड़ा होकर कहता है, मैं गद्दारों से भी हिसाब लूंगा। सिरमा खातून कहती है, भाई इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बिबोरक कहता है, तो फिर मुझे इनसे खुद ही बात करने दो। फिर बिबोरक दुमरुल से पूछता है, क्या अर्थुल अंदर है? दुमरुल कहता है, हाँ हमारे सरदार आला अंदर है। बिबोरत कहता है, सरदार आला, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कबीले के झंडे उतार कर कोई सरदार आला नहीं बन सकता। ये कहकर बिबोरक अंदर चला जाता है। अंदर मलिक शाह कहता है, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है बिबोरक साहब। बिबोरक कहता है, तुम लोग की इतनी हिम्मत। इतने में अर्थुल अपने कमरे से बाहर निकल आता है और कहता है, ये हक हमारी तलवार हमारे दिलों ने दिया है। बिबोरत कहता, क्या तुम्हारी रवैया तुम्हें जुल्म करने का सिखाती है? तुम्हें इसका हिसाब पाओगे। अर्थुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, सिपाहियों बाहर निकल जाओ, मैं इसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे सिपाही बाहर चले जाते हैं। फिर अर्थुर साहब कहते हैं, जुल्म करने की सलाहियत वो लोग रखते हैं जिन पर तुमने तकिया रखा हुआ है। इससे तुम उनके खेलों में शामिल हो रहे हो और मैंने अपनी तलवार से उनके खेलों को जला दिया है। बिबोरत कहता है, आप मुझे बदतमीज नहीं कह सकते, मुझे सरदार आला का ओहदा उन्होंने ही दिया है, क्या मैं उनकी ये पेशकश ठुकरा देता? अर्थुर साहब कहते हैं, तुमने मेरे कबीले में घुसकर मेरे खैमे पर कब्जा किया है और हमारी रवायात के खिलाफ वर्जी की थी, क्या ये सब कुछ उन्होंने करवाया था तुमसे? बिबोरत कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्थुर कहते हैं, मैंने तुम्हारे बहुत से चेहरे देख लिए हैं बिबोरत, अब मैं किसी पर भी कोई रहम नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मंगोलों के साथ एतहाद नहीं थी, बल्कि तुम्हारी गलती ये थी कि मैं सौगत को अपनी तलवार से दोबारा हासिल नहीं कर सकता, जिसे मैंने अपनी तलवार से हासिल किया था, अब मैंने उसे वापस हासिल कर लिया है। बिबोरत कहता है, अगर मैं अपने आदमी ले आता और आपके झंडे उतार देता तो फिर आप क्या करते? अर्थुर साहब कहते हैं, वो तुमने देख लिया है, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो अपनी कमरे खोद कर आना। एक बार वो केज कश और संदूक को हलागो खा कर दे दे और फिर जब वो वापिस आएगा तो पछताएगा। बिबोरत कहता है, ना संदूक और ना ही केज काउच। अर्थुर साहब कहते हैं, क्या मतलब है इसका? बिबोरत कहता है, उन्होंने हमारे लिए ऐसा जाल बिछाया था जो जहन्नम से भी ज्यादा बुरा था, सबोताई भी मारा गया है। अर्थुर साहब कहते हैं, ये तो उसके लिए शर्म का मुकाम है।
अब वो खुद को क्या बचाएगा, अब तो तुम भी फंस गए हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मंगोलों पर एतमाद मत करो। अब तुम क्या करोगे, या तो मेरी अतायत करोगे या तो मंगोलों की तलवार का इंतजार करोगे। फिर भी बोरत कहता है मैंने एक जनाजे पर जाना है अर्थू साहब, मैंने जनाल को खो दिया है। इसके बाद भी बोरत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में सलजार खातून अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी और कह रही थी तुम्हारा बाबा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। सलमान कहता हाँ वालदा, मैंने अपने बाबा और अपने चाचों को बहुत याद किया है। सलजार खातून अपने बेटे को तैयार करने लगती है और कहती है एक दिन तुम भी सरदार बनोगे, लेकिन मैंने एक बात याद रखना, तुमने मंगोलों और बजतीन के आगे अपने हथियार नहीं डाले, मैं तुम्हें अपनी दुआ नहीं दूंगी। अगर तुम उससे डट कर लड़े फिर ही तुम शहादत का रुतबा और मुकाम पा सकते हो, यही हमारा रास्ता है। सलमान कहता है अल्लाह आपसे राजी हो वालदा। सलजार खातून कहती है आपसे भी। फिर वो अपने बेटे को तलवार और दूसरी चीजें उठा कर देने लगती है। फिर सलमान अपनी वालदा का हाथ चूमता है और कहता है अल्लाह की हिफाजत में वालदा। सलजान खातून कहती है हवा की तरह जाओ, अल्लाह तुम्हारे रास्ते में आसानियां पैदा करे। सलमान कहते हैं आमिर। फिर वो घोड़े वाला थैला उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। दरग्योज ने वह संदूक अपने सामने रखा हुआ था। उरानूस पूछता है हम इस संदूक का क्या करेंगे हजूर। दरग्योस कहता है हम इसे खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या है। उरानूस कहता है क्या ये खतरनाक नहीं होगा हजूर, इसे अर्तुल लेने आएगा। दरग्योस कहता है संदूक हमारे पास है, इसे खोले बगैर और देखे बगैर हम इसे अर्तुल को नहीं दे सकते। फिर दरग्योस खड़ा हो जाता है, संदूक को देखता है और कहता है इसकी कोई चाबी नहीं है। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहते हैं हजूर अर्तुल ने सुगोत पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है और अपना सरदार आला का ओहदा वापस हासिल कर लिया है। उरानूस खड़ा होकर कहता है अर्तु खुद पीछे हो गया और हर एक को आगे कर जाल बना दिया और अपना हतमी फैसला ले लिया। दरग्योस कहता है अब तुम्हें समझ आ गई उरानूस कि हम अर्तु पर क्यों नहीं एतमाद कर सकते हैं, अगली बारी हमारी हो सकती है। दरग्योस सिपाही को कहता है एक आदमी को तलाश करो जो संदूक खोल सकता हो। इसके बाद गार का मंजर दिखाया जाता है। अंदर केज का कह रहा था बहुत अरसा गुजर गया है, मैंने एक ऐसा अकलमंद इंसान और ऐसा मजबूत कबीला नहीं देखा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुर्गुत और वापसी कहते हैं आपका शुक्रिया। तुर्गुत कहता है हम इस पाक मुकद्दस सिपाही हैं, अब आपको मेरे सुल्तान बरकी खां की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। तुर्गुत सुल्तान केज का उसके खत देता है और कहता है अर्थ साहब ने ये खत आपको दिया है, आप ये खत उन्हें दिखाएंगे तो वो जान जाएंगे कि आप सुल्तान केज का उच है, इस तरह आप इस मुकद्दस रास्ते में हमारे साथ होंगे। केज का उस कहते हैं काश मैं इन पाक जमीनों में अपना वक्त और गुजार सकता, लेकिन यह हमारी किस्मत है, हमें अजीम मकसद के लिए इसे बर्दाश्त करना होगा। वापसी कहता है सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान केज का उस कहता है अल्लाह आपसे राजी हो, आपको कभी घिरने ना दे। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है अर्थ साहब ने सुगोत और सरदार अलग अहदा वापस हासिल कर लिया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तुर्गुत कहता है अली जाज की अब कोई साख नहीं बची, अब वो मुर्दों की तरह है। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में जनाल का जनाजा तैयार था। कबीले के सब लोग इकट्ठा थे। बिबोरत कहता है जनाल मेरे बहादुर भाई, अगर मैं तुम्हारा बदला ना ले सका तो मैं अपनी ही तलवार से कट जाऊं। हम दुश्मन के दिए गए जख्म को इंतकाम के शोलों से भरेंगे। जब तक मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं ले लेता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, मैं अपने हर दुश्मन को मीठी मौत की तरह इंतकाम लूंगा। दूसरी तरफ काय कबीले में हेमा खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है बेटा तुमने अपनी हर चीज वापस ले ली है। फिर अर्तु साहब कहते हैं ये जदोजहद पहले भी जारी थी और हमेशा के लिए जारी रहेगी, ये जंग उनके खिलाफ है जो अपनी ताकत को मसूबों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। गुद्दोस कहता है अब हम क्या करेंगे बाबा। अर्थुर साहब कहते हैं वही जो हम जंग जीतने के बाद करते हैं, ये वक्त हमारी फतह का है और ज़ियाफ़त का है, हम अपनी ज़ियाफ़त का इंतजाम करेंगे ताकि हमारे लोगों को पता चले और हमारे दुश्मन इससे डरे। अब मेरा हुक्म है कि ज़ियाफ़त का इंतजाम किया जाए और ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा खातून कहती है वो इस तरह आपको सरदार आला के ओहदे से कैसे हटा सकते हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बेबोरत कहता है तुर्क कबीले अर्तुल के साथ है, मैं अली जाज के साथ होगा भी वो मुझे नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। इबिलगे खातून पूछती है अब हम क्या करेंगे भाई, क्या आप अर्तुल साहब के अहतियात कर लेंगे। सिरवा कहती है हमारे खेमे के बाहर जो अलामत है इसे ये जाहिर होता है आप किसी के अहतियात नहीं करते। बेबोरत कहता है सिरमा तो बहुत गुस्से से काम लेती हो और यही वजह है कि तुम अपना काम मुकम्मल नहीं करती, अब से हमारे कबीले की औरतों की नुमाइंदा इबिलगे खातून होगी और तुम्हें सलजार खातून से माफ़ी मांगनी होगी।
सिरवा गुस्से से कहती है कभी नहीं, बिबोरत गुस्से से कहता है अगर तुमने अब एक और लफ्ज निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। ये सुनकर सिरवा और बिल्की खातून बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद बिबोरत अपने आप से कहता है मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अगर बिबोरत की हुक्मरानी खत्म हो गई है तब अलबासी बाहर आएगा और त्रुल अब से मैं तुम्हारे करीबी लोगों की जानों से खेलूंगा। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। और चंद ही लम्हों बाद मर गई। अब वह मेलन की तरफ बढ़ी और ने अपने लंबे और तेज़ नाखनों से एलन की कमीज नोच कर फाड़ डाली। इसका सीने का बिस्तर का हिस्सा रियान हो गया। इसने जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की लेकिन एन ने इसे वजूद इसके सीने पर से पर इस जोर से दांत मारा कर खून का फुहारा उबल पड़ा। वो दूर से तड़पते और चमकते लगी और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चलाने लगी मगर वहाँ इसकी आवाज़ पुकार और चीख पुचकार सुनने वाला कोई ना था। इसके सीने से उबलता हुआ ताज़ा खून मड़े एक कर पीने लगी मज़े लेकर पीने लगी। एन दो की नायब ना ला कर और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से निढाल हो गई। अब एन इसके जिस्म पर जगह जगह गर्दन गंदे जगह जगह गर्दन कंधे और पेट पर काट काट कर खून पीने लगी। एलन जख्मों की ताप न ला कर इसी वक्त हलाक हो गई। एन इसकी लाश को सड़क पर ही छोड़कर श्रेय महल की तरफ वापस चल दी। वो खुद को पहले से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा और शादाब महसूस कर रही थी। हंसती मुस्कराती लबों से खून पूछती हुई असरे महल के सदर से अंदर दाखिल हुई और राजदारी से गुजर कर सामने वाले कमरे में पहुंची जहां फिशर परेशानी के आलम में टहल रहा था। अचानक फिशर की नज़र ऐन पर पड़ी। वो इसे इस हालत में देखकर बड़ा हैरान और परेशान हुआ। वो समझ गया कि वो बाहर से आ रही है। इसने पूछा मैं तुम बाहर क्या करने गई थी इतनी रात गई थी। तनहा बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर पैरट जीते जी मर जाए। एन ने फिशर की बात सुनी अनसुनी कर दी और इसी लम्बे अपना सब शब ख्वाबी का लिबास उतार कर फिशर की तरफ पड़ी। अब इसका अरियान बदन फिशर की नज़रों के सामने था। इसकी आंखें खैरा हो गईं लेकिन फिर फौलाद ही फिशर ने खुद पर काबू पाते हुए पूरी कुव्वत से ऐन के खूबसूरत गुलाबी रुखसार पर थप्पड़ रसीद किया से आवाज़ पैदा हुई और इसी लम्बे ऐन को महसूस हुआ कि इसके अंदर से बरसाश निकल चुकी है और अब इसका दिमाग और आवाज़ पहले जैसे हो चुके थे।
इसने खुद कफीजे के सामने रियाद खड़े पाकर बड़ी शर्मिंदगी और एहबाब महसूस किया और फौरन ही अपना सब वाबी लिबास अपने जिस्म पर पहन कर फिशर से अपनी हरकत की माफ़ी मांगी और सॉरी फिशर, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था। फिशर ने हैरत और खौफ के मिले चले जज्बे से दरियाफ्त किया। वो दरिया सी हो कर बोली, यकीन करो फिशर, मैं जानती थी कि मैं गलत हरकत कर रही हूँ, लेकिन न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। शायद मुझ में कोई ऐसे वसीरत कर गया था और मैं इसके हाथों पे पागल हो गई थी। अच्छा खैर, अब सो जा, फिशर ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। एन हैरान लेकिन जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। शायद मुझ में कोई से सहरात कर गया था और मैंने इसके हाथों पागल बेहोश हो गई थी। अच्छा खैर, अब सो जा, फिशर ने इसे तसली देते हुए कहा। एन हैरान परेशान रही हुई वाक़ात के बारे में सोचती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची पर अभी तक डॉक्टर वेरट ने बेखबर सो रहा था। एंगर्ट के बैठ गई और जल्दी नींद की आगोश में पहुंच गई। सुबह एन की लाश पुलिस की तहवील में थी। एक सिपाही ने अंसर ये महल की दरवाजे पर दस्तक दी तो डॉक्टर वेरट निकला। सामने सड़क पर दो औरतों की लाशें पड़ी हैं, सिपाही ने बताया। और ओ डॉक्टर बैरट ने हैरत से कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सिपाही डॉक्टर बैरट को अपने हमरा लेकर जाए पर पहुंचा। डॉक्टर बैरट ने लाशों को देखा। एक बूढ़ी औरत की लाश थी जिस पर तशद्दुद ज़रब आई थी और एक खूबसूरत दोशीज़ा की लाश थी जिसके कपड़े तार हो गए थे। ये एलन थी जिसके जिस्म पर नाखूनों और तेज नुकीले दांतों के काटने के निशान थे। खून निकल जाने की बस इसका रंग जर पड़ चुका था, शक्ल मसीह हो चुकी थी। आपने कल रात यहाँ कोई शख्स तो नहीं देखा, इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी नहीं, रात में गहरी नींद सोया हुआ था, बस अभी बाहर निकला हूँ, डॉक्टर बैरट ने मगमूल लहजे में कहा। वो जिस हादसे का दिली अफसोस है, इसके चेहरे पर सुर्खी लगी है। दोशीज़ा एलन की लाश के जख्मों को बगौर देखते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे मुजरम ने तशद्दुद करके इसका खून पिया है और फिर रोपोश हो गया है। कदमों के निशानात भी मौजूद नहीं है, सिपाही ने लकमा दिया। डॉक्टर बैरट ने सोचते हुए कहा, यह खूनी उजरम खौफ ख्वाब और या और यकीन कोला नस्ल से ताल्लुक रखता है। कोला को इधर तो सदियां गुजर चुकी हैं, फिर भी मुमकिन है कि इसकी नस्ल का कोई फर्द अभी तक जिंदा हो, डॉक्टर ने कुछ अंदाज में कहा, जैसे इसे अपनी बात का पुख्ता यकीन हो। लाशों को पुलिस वैन में डालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और फिर डॉक्टर बैरट कमरे में लौट आया।
वो बहुत फिक्रमंद था, लेकिन इसने यह बात दूसरे फ्राज से पोशीदा रखी। वो नहीं चाहता था कि बाकी अफराद भी इससे दिलखराश वाक़े से परेशान या खौफजदा हों। एन और टीना ने नाश्ता तैयार करके मेज़ पर चन दिया। चारों अफराद खाना खाने बैठे तो प्लेटें हरकत करने लगी। खौफनाक मुजस्मे हरकत में आ गए। कई प्लेटें हवा में उड़कर इस हैरतनाक वाक़े से सब अफराद खौफ से कांपने लगे। एक फिशर के मुंह से इस कदर जोर से फिजर के नाक से खून बह निकला और फिर अचानक मेज पलट गई और दरवाजे खिड़कियां हवा से खुल गईं। टीना भी एक अहम कुर्सी पर बैठी खौफ से कपकपा रही थी। इसके मुंह से और निकला नहीं, इसका इतना कहने यह शहर साकत हो गई और मुकम्मल सुकून हो गया। अगर वेरट ने गुस्से से टिपना की तरफ देखा, जैसे वो इसे कसूरवार समझ रहा है। टिपना ने इसे कहा, मैं कुछ नहीं जानती मैं ये सब क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारे शोभाबाजी है। डॉक्टर बैरट ने पुख्तगी के साथ हरगिज ने कहा, हरगिज नहीं। ये कहकर पिया गुस्से से उठ खड़ी हुई। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूँगी, वो अपना सामान समेटने लगी। फिशर भी इसके हमरा वापस चलने के लिए तैयार हो गया। इस पर डॉक्टर ने माजरत की और इन्हें तसल्ली दी, अभी ज़रा हौसला रखो, कुछ दिन बाद हम सब वापस चलेंगे। इस वक्त तक यह मकान काबिल रहायश हो चुका होगा। डॉक्टर सरार पर दोनों को अपना फैसला तो करना पड़ा। दिन गुजरा, रात आई। डॉक्टर के सिवाय बाकी तीनों अफराद खौफजदा थे। टीना सोने के लिए अपने कमरे में आई के आलम में इसने कमरे में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे खौफ महसूस हो। टीना ने सफेद कपड़े से आज़ाद की कपड़े से आज़ाद किया और खिड़की खोल कर नज़ारा करने लगी। चांद अभी पूरी तरह निकला नहीं था। निचली सतह पर होने की वजह से चांदनी पूरी तरह नहीं फैली थी। दरख्तों को साए फैले हुए थे। हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। डिब्बा चंद लंबे खिड़की के खड़ी हुई के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक रोशनी में टीना का जिस्म बेहद हसीन लग रहा था। हल्की हल्की हवा सरसराने लगी, टिम्बा पर छा गई। अभी वो गहरी नींद में नहीं पहुंची पाई थी कि इसे आहट सुनाई दी जिसे कोई से कमरे में कोरा हो। कौन? टिम्पा ने खौफजदा लम्हे लहजे में पूछा। अचानक एक काली बिल्ली इस पर हमला आवर हुई। खौफ से टिम्पा की चीख बुलंद हुई और एन और डॉक्टर बैरट के कानों में पहुंची, जो अभी तक जाग रहे थे। वो दोनों इसकी मदद के लिए दौड़े आए। टिम्पा के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक खौफनाक
खूंखार बिल्ली जिसकी आंखें खून की तरह सुरख थी, टिंबा के कंधे पर सवार आर 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 अपने नुकीले पंजे टिंबा के सरों और गर्दन पर मार रही थी। तकलीफ से टिंबा चीख रही थी। फिशर भी चीख चीख पीछे पीछे दौड़ा आया था। इसने यह खौफनाक मंजर देखा तो बिल्ली को पकड़ने के लिए झटका, मगर बिल्ली बर्क रफ्तारी से खिड़की में से अचानक छलांग लगा कर गायब हो गई। टिंबा के नरम नरम सुरख सारों और गर्दन की जल्द उजड़ गई थी। वो जख्मों से खून बह रहा था। एन ने जल्दी से टिंबा को नाइट गाँव पहुंचाया और फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। अपने कमरे में लाकर ब्रांडी पिलाई और अपने बिस्तर के करीब टिंबा का बिस्तर लगा दिया। जख्मों में ठंडक पहुंची तो टिंबा सो गई, मगर डॉक्टर बैरट और एन जागते रहे। सुबह टिंबा उठी, मगर रात के वक्त से वे आज खौफज़दा थी। इससे अब प्रेम एल से खौफ महसूस हो रहा था। एन इसे बाहर निकलने के लिए कहा ताकि इसका दिल फैल जाए। टिंबा डायरीज में से गुजरी तो सामने वो कमरा था जिसके दरवाजे का रंग बिल्कुल स्याह था। दरवाजे पर स्याह मोटी मोटी पड़ी थी। टिंबा खौफजदा दरवाजे की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। भयानक चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला। एक बहुत बड़ी चमकादर चीखती हुई फिर भड़कती हुई बाहर निकली, जिससे फिजा खौफ आग हो गई। दूसरे लम्हे टिंबा ने बड़े ज़ोर से चीख मारी। इस बार फिर डॉक्टर बैरट, एन और फिशर इसकी आवाज़ सुनकर दौड़े आए। कमरे में बुरी तरह मनसी शुदा लाश द्वार के साथ खड़ी थी। खूनी चेहरे पर कहीं जरा सा सूखा हुआ गोश्त था। तूल लबास कदीम तर्ज का था। लंबा कोट सर पर, ऊंचा हेट लबास पर जगह जगह खून के इयां जमी हुई थी। इस भयानक मंजर को देख कर सब के रोंगटे खड़े हो गए। फिशर बोला, आओ ये ब्लास्को का बेटा कलिस है जिसे दुश्मनों ने मार डाला था, जिसका इंतकाम ब्लास्को इस महल में आने वाले हर शख्स से लेता है। एन भी नरेटर में इन ने भी नडर में कहा, वो गांव बेचाने ब्लास्को अब तक कितने लोगों को हला कर चुका है और कितने भी इसकी शैतानियत का शिकार होंगे जिन्हें खौफ से कपकपाते हुए अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। डॉक्टर बैरट ने दोनों औरतों को अपने अपने कमरे में जाने की हिदायत की और खुद फिशर के मदद से क्लीन के ढांचे को उठाकर ताबूत में रखा और दोनों इसे उठाकर गिरजे में ले गए। डॉक्टर ने पादरी को क्लीन के बारे में बताया और तो उस पर पादरी ने अपने सीने पर स्लीव का निशान बनाया और ताबूत के आगे चलने लगा। वो जल्द ही कब्रिस्तान में पहुंच गए। पादरी ने खुन को बुलाया और खबर खुदाई।
तीनों ने अपने हाथों से मिकलिन को दफन किया और चंद लम्हों में कब्र का मुंह बंद कर दिया गया। शब का पहला पैर गुजर चुका था। अंतरी महल चांद की जर्द रोशनी में नहा हुआ था। हर तरफ भयानक खामोशी छाई हुई थी। डॉक्टर बैरेट और इस पर एन ए की बिस्तर पर मैं आप थे। फिशर अपने कमरे में सोया हुआ था और डिम्बा अब फिर अपने कमरे में तनहा सो रही थी। अचानक आठ हुई जैसे कोई परिंदा फड़फड़ा हो। डिम्बा की आंख खुल गई। इस आहट पर डिम्बा का दिल बुरी तरह लरजने लगा और वो कांपने लगी। इसने हिम्मत करके इधर उधर देखा। इसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर फिर अपने आठ इंच को तरफ रुदने लगा और कांपने लगी। इसने हिम्मत करके इधर उधर देखा। इसकी नज़र खिड़की के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पहले तो डिम्बा ने बिस्तर पर बैठे बैठे इशकार कर चमगादड़ को वहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन चमगादड़ अपनी जगह से डर से मस न हुई। मैंने बखौर चमगादड़ को देखा। इसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आँखें रोने लग रही थी। नीचे नुकीले से के जरिए जहन में ख्याल उभर कहीं वो खून शाम चमगादड़ तो नहीं जो इंसानों का खून पी कर जिंदा रहती है, या किसी बदरोस से चमगादड़ का रूप धार लिया हो। वो कमरे से भागना चाहती थी कि एक ज़ोरदार चिनाके के साथ खिड़की का शीशा टूट गया और बड़ी सी चमगादड़ कमरे में दाखिल हुई। वो डिम्बा के सर पर चक्कर लगाने लगी। डिम्बा दबी आवाज़ में खौफ और दहशत से चिल्लाने लगी। फादर ने डिम्बा के सर पर चक्कर लगाए ताकि इस पर हमला कर सके, मगर डिम्बा ने तकिया मार मार कर अपना गया। डिम्बा अपने दिमाग के लिए अपने हाथों को तेजी से हरकत देने देते देते नढाल हो गई। अब चमगादड़ चीखती हुई इस पर हमला आवर हुई। इससे पहले कि चमगादड़ अपने लंबे पंजों से डिब्बा के सीन चेहरे का गोश्त नोच डालती बिस्तर के चादर खुद बाखुद उड़कर डिम्बा के ऊपर आ गिरी। डिम्बा भी अब घबरा रही थी। चमगादड़ मुसलसल डिम्बा के सर पर मंडरा रही थी। डिम्बा चीखने लगी, नहीं 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 ब्लास्को, नहीं, मुझे छोड़ दो। चमगादड़ हवा में मुअल्लक होकर डिम्बा पर हमला के लिए पर तोल रही थी के सामने रखा शीशा हरकत में आ गया। जिसमे के साथ तीर कमान था। तीर का रुख छत की तरह था। बिजली की तेजी से तीर कमान से निकला और चमगादड़ के सीने में व्यस्त हो गया। और वो ग्रही चीख मार कर फर्श पर गिरी। चंद लम्हे तड़प कर वो मर गई। फर्श पर ढेरों खून बिखर गया जिससे किसी जानवर का गिरा हो।
फिर मैं थर थर कांपने जिस्मे की तरफ बढ़ी और इसका खौफ जैसा लिया मुजस्मा सालित था। टिम्बा ने चमगादड़ को उठाकर खिड़की से नीचे बाहर फेंक दिया। इसी लम्हे काली बिल्ली उड़ाती आई। वो मर्दा चमगादड़ को उठाकर ले गई। खौफ सदा टिम्बा यह मंजर देखती हुई टिम्बा ने इसी वक्त फैसला किया कि वो आज ब्लास्को को तलाश करके रहेगी। टिम्बा गुस्से से बुलाने लगी, ब्लास्को आज मैं तुम्हें ताज करूंगी, बताओ तुम कहाँ हो। वो करीब महल के कमरों में चीखती हुई फिरने लगी और ब्लास्को को तलाश करने लगी। कमरों में वो इसे पुकारती जा रही थी। इसे यकीन था कि ब्लास्को ज़रूर मौजूद होगा। टिम्बा ब्लास्को को ब्लास्को टिम्बा को ब्लास्को ब्लास्को कमरों में नज़र ना आया तो वो चर्च में जा पहुंची। वो चर्च का दरवाज़ा खोलते पुकारा, मैं आ रही हूँ ब्लास्को, मैं आ रही हूँ। इसी लम्बे चर्च में से अजीब किस्म की तवज्जो बुलंद हुई, लेकिन टिम्बा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। चारों तरफ गौर से देखकर उसको तलाश करती रही। इस चश्मे के अकब में टिम्बा को एक साया सा नज़र या वो खौफ से कप कप आती। जश्मे के करीब पहुंची तो साया गायब हो चुका था। अचानक मुजस्मे में हरकत हुई और फिर धात का बना हुआ कोई मन वजनी मुजस्मा टिम्बा के ऊपर गिरा। टिम्बा को पीछे टिम्बा के महल न मिली और वो मुजस्मे के नीचे दबकर शदीद जख्मी हो गई। इसका सर फट गया और खून तेज़ी से निकलने लगा। इसे यकीन था कि वो मर जाएगी। इसने मुजस्मे के नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो वजनी मुजस्मे के नीचे बेबस हो गई। वो सांस लेने में दुश्वारी कर रही थी। इसने किसी कदर अपने जिस्म को ऊपर नीचे कर अपनी उंगली खून में भर कर मुजस्मे पर अपने खून से बी लिख कर दरवाज़ा दोबारा बता लिख बी लिख कर दोहरा बना दिया। इसके बाद वो किताब ना ला कर चल बसी। अगली सुबह फिशर फ्लो नर्स से टिम्बा को का पा कर फिशर फिक्रमंद हुआ और उसकी तलाश में कई महल में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन टिम्बा नहीं मिली। अचानक इसे चर्च का ख्याल आया। वो फौरन पटा कर चर्च की तरफ दौड़ा और अंती दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया। उम्रासी निगाहों इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा। बढ़ते हुए अचानक इसकी नज़र मुजस्मे के नीचे दबी हुई लाश पर पड़ी। सीन टिम्बा का जिस्म रीत से नट गया था, इसके मुंह से बेअद निकला। टिम्बा इसने करीब पहुँच कर इसके नब्ज देखी, वो मर चुकी थी। अब टिम्बा ये उफ टिम्बा यह तेज था, बड़ी जाती हुई है, यह कहते हुए इसकी नज़र बी पर पड़ी। ब्लास्को वहाँ मैं इससे वाकफ हूँ कि ब्लास्को ही तुम्हारा कातिल है। फिशर ने इसके तला डॉक्टर लाइट बैटन को दी तो उसे बहुत रेंज हुआ और इस जाए हादसे का मुआयना करके फिशर की मदद से उसे दफन कर दिया। इसी रोज डॉक्टर लायो ने अपनी साइंसी मशीन को स्टार्ट किया जिसे रेडिया
लहरें शिफ्ट करना शुरू कर दी। उसके साथ ही डॉक्टर बैरट फिशर और एन बाहर निकल गए। रेडियो लहरें इनकी सेहत पर असरअंदाज ना हो। बहुत देर बाद डॉक्टर बैरट अपनी बीवी एन फिशर के हमरा महल में दाखिल हुआ। अब यह कसर काबिल ऐसी ही है, यह रहने रहते रहने कोई खतरा नहीं। चंद रोज तीनों अफराद इंतहाई सुकून से इनकी महल में रहने लगे। एक रात के डॉक्टर और फिशर गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक एन की आठ से आँख खुली और घबराहट इधर उधर देखने लगी। कमरे में इनके सिवा कोई मौजूद नहीं था। इस डॉक्टर को उठाने की गए की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बैरट ऐसी गहरी नींद सोया था कि आंख न खुली। अचानक एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुला। एन गौर से दरवाजे की जानब देखने लगी, लेकिन इसे कोई नज़र ना आया। अलबत्ता इस एहसास हुआ कि हवा के झोंके की शक्ल में कोई ऐसे कमरे में दाखिल हुआ है। इसके साथ ही इसने एक झिझरी सी ली, फिर इसके जिस्म में कोई चीज़ राहत कर गई और इसका जिस्म इसके काबू में ना रहा। इसके